जिंदाबाद अमेरिका। है अमेरिका के खिलाफ, अमेरिका ने ईरान के जनरल सुलेमानी को, जिन्होंने टेररिस्ट को आईएस को ख़त्म किया है, उनको जो अमेरिका ने मारा है, उनके लिए हम लोग यहाँ पे इस वक्त अमेरिका के अगेंस्ट प्रोटेस्ट निकाल रहे हैं कि उसको इस तरह की कोई भी हरकत नहीं करनी चाहिए जिससे कि अमन और सुकून ख़राब होता है। निशाद फातिमा। मीडिया वाले आ जाएंगे, मीडिया वाले जो भी हैं यहाँ पर बेफिक्री चलाएंगे, यहीं पर यहीं पर लगेंगे। इस कंडक्ट लोगों ने किया है, क्यों किया है? पिछले जुमे को जो इराक में ईरान के जनरल कमांडर शहीद कासिम सुलेमानी और उनके हमनवाओं के ऊपर अमेरिका ने हमला किया और ड्रोन के ज़रिए से उनको शहीद कर दिया, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में दुनिया इंसानियत ने बड़ा ही इस्तराब है और हर इंसान परेशान है कि दुनिया में अमेरिका ज़ुल्म तशद्दुद पैदा करना चाहता है। हम अमेरिका के इस ज़ालिमाना रवैये के ख़िलाफ़ और ज़ुल्म तशद्दुद के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी से लेकर के एक पीस मार्च, कैंडल मार्च निकाला गया है जो डक पॉइंट पर आकर के इख्तिताम पज़ीर होने वाला है। इसमें अमेरिका का पुतला भी नज़र आतिश किया गया और हज़रत कासिम सुलेमानी और उनके हमनवाओं ने जो अजीम कुर्बानी पेश की है और उनकी जो मेहनतें रही हैं, वो ख़ास तौर पर उन्होंने आईएसआईएस को ख़त्म करने में बड़ा अहम रोल अदा किया है, जिसकी जुल्म से पूरा सीरिया, पूरा इराक और जगह जगह इंसानियत परेशान थी और लोग हैरान थे और जिसका जुल्म आम होता जा रहा था। ये जनाब कासिम सुलेमानी और उनके हमनवाओं की जीरक थी, उनकी जहानत थी कि उन्होंने अपने जहानत के ज़रिए से इस पूरे के पूरे ईरान के कमांडर थे कासिम सुलेमानी साहब, उनको अमेरिका ने बम ब्लास्ट करके उनको मारा है, शहीद कर दिया है। आज अली बिरादरी कासिम सुलेमानी के उनके ऊपर हुए जुल्म पर और ईरान के ऊपर हुए जुल्म के ख़िलाफ़ खड़ी हुई है और अमेरिका के ख़िलाफ़ खड़ी हुई है। हम ईरान के साथ हैं, उनके कमांडर के साथ हैं, उनके शहीद होने का हमें गम है। आज कैंडल मार्च इसलिए निकाला और जो अमेरिका और इसराइल ने मिलकर के पूरी दुनिया में जो बमबारी किया है, उन्होंने फिलिस्तीन, अफगानिस्तान और सीरिया, इराक को जिस तरह तबाह किया है, हम लोग उसके खिलाफ है। इसलिए आज यहाँ तशद्दुद मार्च किया जा रहा है और हम लोग अभी एफिजी उनकी जलाएंगे, उनका पुतला फूकेंगे डोनाल्ड ट्रंप का, और उसके अलावा ये कैंडल मार्च है उनके खिलाफ नारा है, अमेरिका और इसराइल के खिलाफ नारा है। कौन कौन लोग शामिल हैं और कहाँ से बाद में करेंगे?